अजीत ओझा, गौरव झा, अरविंद यादव और चुनाव के नवी और लेकिन पर का यहाँ देखिए क्या कर रहा है नीरव भाई से खड़ा नीरव भाई से खड़ा लोग
आपके खूबसूरत संदान में अपने आप को मैदान में हम उसका सही देते उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अगले बल्लेबाज का नाम हम जानना चाहेंगे। बल्लेबाज का नाम विराट सिंह। बल्लेबाज का नाम बल्ले में कुछ फैसिलिटीज थी जो बल्ला चेंज किया और एक तकनीकी शॉट वहां पे दिखाई और गेंद गई गली बाउंड्री की तरफ चार रनों के लिए। एंटी किसी को मत पूछना यहाँ पे, लेकिन शायद गेंद सामने वाली विकेट। भैया मैं आदित्य ओझा जी की भी तारीफ करूंगा, उन्होंने अपना क्रीज छोड़ा भी नहीं था और गेंद को भी डायरेक्ट बॉल से अगर गेंदबाज का हाथ भी लग जाता ना तो आउट हो जाते तो अच्छा। आदित्य ओझा जी का सपोर्ट भैया सिंह का गेंद स्ट्रेट किया जी हाँ, और दर्शक भी उनको और भी खेलते देखना चाह रहे थे लेकिन दर्शकों के बीच काफी निराशा हाथ लगी जब मैं उनके चेहरे को पढ़ रहा था। नहीं भाई, ये निराशा नहीं होती है, एक अलग ही माहौल होता है, उसको देखने का भरपूर मौका मिलेगा यहाँ के तमाम दर्शकों को। और अब हमारे बीच आए हैं वन मैन द ग्रेट मैन, मतलब शब्दों के सागर से जैसे मोती चुना जाता है वैसे ही वो शब्दकोश से शब्द को चुनते हैं। और तो ये ऐसे शख्स हैं इनके बारे में कुछ भी कहना असंभव है। मैं नहीं कर अच्छा सॉरी सिटी मैं देखो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। तो आप हैं श्री चंद्रशेखर जी। कुछ नहीं, मैं रोक लगाऊंगा, अभी नहीं बोलेगा चंद्रशेखर जी। और तूफान से ज्यादा तेज है तो चंद्रशेखर जी आप अपने अंपायर के द्वारा एक लेफ्ट बाई के रूप में चार का इशारा आया है। हम जोरदार ताली बजा करके चाहेंगे कि मुकेश जी पीछे बैठे हुए हैं ठीक है। लेफ्ट बाई का इशारा अंपायर के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद देवरत जी और हमारे सुनील रवि जी। एक खुशनुमा माहौल, एक उत्कृष्ट माहौल, एक बेहतरीन समा और इस बेहतरीन समा को बांधने के लिए राजिंग डिलीवरी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद। ए बंटी बंटी इधर से, तो इसका कैमरा विक्रांत सिंह राजपूत से एक बड़ा शख्स, एक अच्छा चेहरा ये फेम से इन्होंने प्रसिद्धि पाई थी। टीवी का वह चमचमाता हुआ चेहरा आज उलाव के ग्रीन पार्क स्टेडियम में दर्शकों विक्रांत सिंह राजपूत के लिए आपके हाथ खुलने चाहिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली। भैया वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट थे, अब आए राहुल
और अधिक बगनबाजी हो रही है भाई, छोड़ के पकड़ के रख लेंगे, ऐसे है दोनों। इस बार नीचे रहते पिछड़ गए, काफी नीचे रहती है, कमे में थे बल्लेबाज, हालांकि बैकफुट पर जरूर गए थे लेकिन गेंद चटाते हुए चले गए। एक बार फिर मैं एक बार बोलना चाहूंगा चंद्रशेखर जी, ये जो पिच है, ये जो मैदान है और ये जो खेल है ना, इसमें किसी का स्टार्डम नहीं चमकता, इसमें किसी की वाहवाही नहीं चमकती, इसमें चमकता है तो हुनर, और वो चमकाएंगे। ये गेंद आउट साइड की अपील, लेकिन नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा, ओवर स्टे, बढ़ गया फ्री हिट इन फेवर ऑफ बॉर्डर एकादश। अब मिला है आदित्य ओझा जी को विश्वास में उत्तेजना, लंबा छक्का लगाए और दर्शकों का जो उत्साह है उसे बढ़ाए, क्योंकि आपको अब लाइसेंस है, लाइसेंस है भाई, लगा लो छक्का। मेरे पास सुनियो गरीबी, लेकिन सिग्नल ही मिला तो स्ट्राइक रोटेट हुआ। अब स्ट्राइक पर आया है विक्रांत सिंह राजपूत, सामना करेंगे प्लेयर आ गई है, खड़ा है अभी दिन राहुल को सामना करेंगे विक्रांत सिंह, बहुत अच्छी गेम नेक्स्ट किया जाए। कैमरा को सुनी दर्शकों, आज का निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे जिंदगी में मैं सामाजिक राजनीति से दूर हटकर एक सामाजिक और युवा के बीच में, खेल के बीच में आया हूं, और मेरे जिंदगी का पहला ऐसा मैच होगा कि मैं रात में क्रिकेट खेलूंगा, मतलब मैं 37 साल का हूं लेकिन पहली बार मैं रात को क्रिकेट खेलूंगा, ये मेरे लिए पहली बार ऐसा हो रहा है। और निश्चित तौर पे आप लोगों का प्यार और सहयोग भरपूर मिल रहा है, मैं हर अपने संगठन के सभी कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूँ, और सबसे अपील करता हूँ कि बॉर्डर पिक्चर कल रिलीज हो रहा है, आप लोग पिक्चर जाके देखें और मजा ले, और मैं भी करूंगा कि पटना में बैठ के मैं फिर कभी पिक्चर देखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अरे इसी कहीं को आगे बढ़ाते हुए मैं अब सागर पूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगा, बेगूसराय की धरती अतिथि देवो भव की धरती है, राष्ट्रकवि दिनकर की धरती है, और इस धरती पर निरहुआ जी एक स्टार, चमकते हुए स्टार, दर्जनों फिल्में इनकी सुपरहिट, और आज के समय में आपके बीच वो है, मैं चाहूंगा एक पुरकशिश ताली उनके लिए बजनी चाहिए, और मैं उनसे मुखातिब हो रहा हूँ चंद शब्दों के लिए, उनसे गुजारिश है बेगूसराय के संदर्भ में, और उलाओ साथ साथ यहाँ के दर्शकों के संदर्भ में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसके पहले भी यहाँ आए हैं, पर ये पहला मौका है जब हम हमारे बेगूसराय के युवा हैं उनके साथ में खेल रहे हैं, और हमारे विक्रांत सिंह राजपूत अभी साथ में उनके आदित्य ओझा है, ये दोनों ही हमारे बॉर्डर के जवान हैं जो फिल्म कल आ रही है ईद पे, तो जैसे आज आप इनके खेल का मजा ले रहे हैं, जब कल आप जाएंगे सिनेमा हॉल में और आदित्य ओझा को और विक्रांत सिंह राजपूत को पर्दे पे सिपाही के रूप में दुश्मनों को छक्के छुड़ाते हुए देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और आप सोचेंगे ये वही सिपाही हैं जिनको कल हमने मैच खेलते हुए देखा था, तो आपका मजा दुगना हो जाएगा। इसलिए ही हम लोग आज एक दिन पहले यहाँ आए हैं, एक दिन पहले आप हमको हमारी पूरी टीम को सामने से देख लीजिए, और उसके बाद कल थिएटर में जाइए, अपने पूरे परिवार के साथ जाइए, और आपको एक बेहतरीन फिल्म देखने को मिलेगी बॉर्डर, आप खुश हो जाएंगे, आपने बहुत सारी भोजपुरी फिल्म देखी होगी लेकिन जब ये फिल्म आप देखेंगे तो आप दिल से कहेंगे कि सच में भोजपुरी में एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है। और आपको मैं ये भी बता दूं भैया, बाउंड्री के अंदर चल चल बाउंड्री के अंदर, और शानदार चौका मारा है हमारे विक्रांत सिंह राजपूत ने, मैं उनके बारे में तारीफ कर रहा खड़ा होकर, विक्रांत सिंह राजपूत ने वही चौका मारा है
जा रहा है अंपायर जी के द्वारा। तो बस यही निवेदन है आप सभी से कि आप अपना सहयोग दीजिएगा, बड़ी मेहनत किया हम लोगों ने फिल्म को बनाने के लिए। और जब आप कल ये फिल्म देख के अपना आशीर्वाद प्यार देंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। चलिए और फिर मैं आपके बीच में आऊंगा, आपसे बात करूंगा। बात करते हैं धन्यवाद मेरा जी। दो विकेट आए सस्ते में लिखते थे, लेकिन उसके बाद आदित्य ओझा और विक्रांत सिंह राजपूत ने पांच का सहारा। ये गेम मैं सुरक्षा बलों से आग्रह करता हूँ कि महिलाओं के मैच में एक भी पुरुषों को ना रहने दे, चाहे वह कमेटी का कार्यकर्ता ही क्यों नहीं हो। मैं सुरक्षा बलों को महिलाओं की जिम्मेदारी करता हूँ, कृपया करके आप इधर जाओ और एक भी पुरुष कार्यकर्ता को अंदर में रहने मत दें। और जितने भी पुरुष कार्यकर्ता है आप गांधी के चाहे पर फैल जाए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल है यहाँ पे, आप अंदर से निकल जाए। दोस्तों हमारे बीच अतिथियों के आगमन का सिलसिला जारी है। फिलहाल हमारे प्रधान है जिला परिषद अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र चौधरी जी, उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। समाप्ति के बाद तीन कल से
43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज का नाम चलेगा समाप्ति के बाद 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर बॉर्डर अवेलेबल। 72 विकेट 35 और वापस 2 विकेट 45 दो खिलाड़ी के नुकसान पे टॉस जीतने से पहले गोवा ने कागज पर बल्लेबाजी करती हुई एक बार फिर 45 दो खिलाड़ी के नुकसान पे जबकि अब 7वां ओवर प्रगति पर 7वां ओवर प्रारंभ होने वाला है। कुल 15-15 ओवर के ये खेल है। विक्रम सातवां ओवर लेकर के आया है गेंदबाज विक्रम। सामने है आदित्य उपाध्याय। तो 6 ओवर में 43 रन बन चुका है। जिन्होंने और इस बाबर ने एक बार एक बैटर जीत दिया है। सैनिक मिला 11 के लिए कि भैया 50 है तो बाबर हमने जीत लिया है। आप क्या कह रहे हैं अगली गेंद विक्रम की बहुत ही गेंद खेल गया और अब हम समाप्त 7 ओवर के समाप्त पर टीम का कुल स्कोर 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर दिया 7 ओवर समाप्त हुए हैं। और ये भी आपके बॉर्डर के एक सिपाही है। ये भी आपकी जो बॉर्डर फिल्म है उसके हीरो है। आज एक
गुजारिश है आपसे, इस खबर के बाद जीत होगा इसलिए आपको जाना है नगना भर दीवाना निरंगा के चार में। ये मजिए शानदार शॉट लगाया है बिहार अंशुमान सिंह का, ये पहला चौका है और मैं आपको बताना चाहता हूं ध्यान से देखिए इस लड़के को, ये जो दाढ़ी और बड़े बड़े बालों में लड़का है अंशुमान सिंह, ये जिस तरह से आपको यहां टेलर दिखा रहा है, कई जब आप ऑर्डर फिल्म देख रहे हैं तो वहां भी आपको इस सिपाही को देख के मजा आ जाएगा कि हाँ यार फिल्म ये जैसे मार रहा था हमारे बेगूसराय के ग्राउंड में मैच के दौरान मार रहा था। जब दुश्मनों से लड़ने की बात आएगी तो उस समय भी हमारा अंशुमान सिंह इसी तरह लड़ेगा और आपको बहुत मजा आएगा ये फिल्म देख के निश्चित तौर से। लेकिन अभी तो उनकी बैठक दुश्मनों को अकेले मारा है और हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं रवि जी, हमारे मुकेश साहनी जी संयुक्त मल्ला जिनके सहयोग से आज हम लोग यहाँ पे अपने भगवान जो हमारे दर्शक हैं हमारे श्रोता हैं उनके सामने हमको आने का मौका मिला यहाँ पे और इतनी शानदार व्यवस्था किया है आप लोगों ने। सभी लोग मैदान के चारों तरफ खड़े होके और आनंद ले रहे हैं, अपने चहेते स्टार को खेलते हुए देख रहे हैं। आदित्य ओझा और अंशुमान सिंह दोनों ही बॉर्डर के सिपाही हैं और जब बॉर्डर आप देखने जाएंगे तो ये मैच रखने का आप जानते हैं ये मैच हम लोगों ने रखा क्यों रवि जी? क्यों सर कि आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि आखिर ये हीरो लोगों को क्या हो गया कि अचानक क्या मैच खेलने क्यों चले गए? मैच खराब मत कीजिए, जबकि तीन विकेट गिर चुकी है तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें दिनेश लाल जी क्यों है इस बॉल के बाद बताते हैं काफी खूबसूरत यहाँ पर डिफेंस 9-8 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया है। फेसबुक पे भी मुझे यूट्यूब पे डाल देंगे उसका लिंक फेसबुक पे डालेंगे। धरती पे 7 नंबर लिखा हुआ है ये अभी चौधरा है और आपको बताया कि इन्होंने हमें सीसीएल के पहले मैच में स्कोर बता दीजिए 74 रन हुआ है 9 रन 74 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो मैं ये बता रहा था हम लोग इसलिए खेल रहे हैं भैया कि जब आप कई मैडर देखने जाएंगे तो आपका मगर दुगना हो जाएगा, आप कहेंगे यार ये वही लड़का है 7 नंबर जर्सी वाला आदित्य ओझा जो कल बहुत शानदार चौका मार रहा था और ये दाढ़ी वाला वही है अंशुमान सिंह जो आपके सामने आपके बीच खेल रहा है आपका बॉर्डर का सिपाही। तो आप अपने आंखों के सामने अपने सिपाहियों को देख रहे हैं और कल जब आप देखेंगे फिल्म में इनको तो आपको जो मजा है वो दुगना हो जाएगा निश्चित रूप से। सामने जो इनका और ये भी काफी खूबसूरत है यहाँ पर आप आपको मिला रहा हूँ आईपॉड लेने से नहीं चुके हैं तो आने का लेवा ये हम आना चाहिए और चाहते थे ईमेल इसके सारे जन बैठा लेने के चक्कर में यहाँ पर आपको भी हो आने चाहिए। ये 2020 का मैच है जबकि चला है यहाँ पर क्रिकेट की सहनियों को तो किसी तरह का सबूत देते हुए 2020 का मैच मैं तो जल्दी दुआ करूंगा कि हम दोनों टीम का निर्माण हो रहा है वहां से। ये गेंद पहला जो एक बॉडर था वो था 50 रनों का, अब दूसरा बॉडर जो बनाना था 70 रनों का
तो निश्चित तौर पर दूसरे बॉर्डर की ओर है और एक बॉर्डर है जो फर्स्ट क्लास होती है। अच्छा ट्राई, यहाँ पर पॉइंट पर काफी खूबसूरत कैच देखने को मिला और निशान भी कप्तान एलन के फील्डर ने काफी खूबसूरत कैच पकड़ा यहाँ पे पॉइंट पे खड़े होकर के। आदित्य ओझा जी आज वापस आ रहे हैं, इनके बारे में मैं इतना ही जानता हूँ क्योंकि मैं बहुत पूरी देखता हूँ, बाकी की जनता देखे या ना देखे मैं देखता हूँ। ये जीवन का मुझे अच्छा इंसान लगते हैं और ये इनका नाम है, नाम बताने से पहले मैं एक इनका डायलॉग बोलता हूँ, आप लोग इनका नाम सभी समझ जाएंगे। सोना के जेवर और मुकामा के जेवर बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये है सुशील सिंह जी, आपके मुकामा आपने देखा होगा, मुकामा 0 किलोमीटर निरंगा रिक्शा वाला आपने देखा है, ये विधायक जी है और आपके ग्राउंड पे है, आपके बीच में है और इनकी बैटिंग जो है
इनके सुपरस्टार यहाँ बैठे रहे थे, देख रहे थे श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। काफी अब जो नए बल्लेबाज आ रहे हैं बोर्ड एलेवन की तरफ से, उनका नाम अदनील लोहिया, और ये बताएंगे जी ये जो नए बल्लेबाज हैं ये हैं मधुवेंद्र राय। मधुवेंद्र राय जी हैं और ये अपना परिचय बोलने से पहले इनके बारे में हमने कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कहते थे इंजमामा हक बोलने लंबा मारने पर ये और इसे स्कूल करना चाह रहे थे, गेम प्लेयर के दिशा में काफी थी अभी खेल रहे यहाँ पे। और भैया दर्शकों को भी नंबर स्वीकार करेंगे, ऐसे है हमारे जगदीश सर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदान किया है से जुड़े हुए भोजपुरी के सरकार आपके बीच है और ये मुकेश जी के लिए काम चालू है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्राम विकासन के राष्ट्रीय मुकेश जी जिन्होंने भोजपुरी एकादश के तमाम साथी रंगी को आपके घर में आपके पीओ में उतारने का काम किया है और मैं के पास में रंगी मुकेश रहे थे। अगले भैया अच्छा है अच्छी बल्लेबाजी अगर अच्छा ही होता रहा तो निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम लेकर के जाएगी भारत इलेवन। अभिमान जी पंजाबी अभिमान से अभिमान सिंह
पहले करते हुए संतानवे इस मैच का कोई भी परिणाम हो जैसा भी परिणाम है मैं सारे मैनेजर से अनुरोध करूंगा खाली करके महिलाओं की दुर्घटना की एक भी हमारे वॉलंटियर सुना रहे हैं हमारे वॉलंटियर सुना रहे हैं आपके हर बात को सबसे पहले इसलिए के इंसानों के लिए भैया ऐसी गेंदबाजी आप कर रहे हैं जो चौका छक्का लग रहा है बल्ले छोड़ा हमने से ये चार गए हैं और बताओ फोर जो है वो तालियों की गूंज सुनना चाहूंगा तो मैंने निर्णय जी से मतलब जोर भाजी दूसरे बॉडर की तैयारी है वो यही बॉडर है सर जो चार का आग्रह आपने चार कर लिया आप देखते हैं कि तीसरे बॉर्डर में कितना देर लगाते हैं जी हाँ चाइना के बॉर्डर को कहा कर रहा है कवरेज वाला अच्छा है ना और हमारी से हेलो और मेरा जितने भी हमारे वॉलंटियर है सारे फोन है ये जगह वो खाली कर दे जितने भी निकला पर और जितने भी कमेटी की सदस्य हैं कृपया यहाँ से खाली करके आप लोग जुमली और टीम के सदस्य हैं केवल आपसे रस्सी तरफ से बैठ गया आप बैठ जाएंगे माहौल अच्छा बनेगा भागने की स्थिति नहीं होनी चाहिए काफी खूबसूरत संतोष सर हमारे अस्पताल के प्रोग्राम बाड़ी कर उनके सर के ऊपर से ये गई थी ये बेहतरीन शॉट ये ऐसा लगता है कि काफी प्रैक्टिस करते होंगे लेकिन अंदर के बड़ी बात वो कर रहे हैं अस्पताल में तो छुट्टी होगी कितनी दूर से रक्षण लेकर आप भाग आपको बता रहा हूँ सर एक बात हो चुकी है बात के आगे रुक जाते हैं हम एक ट्रेन छोड़ रहे हैं नटा रखिए उसको
वो पूरी के सुविधा को जानने के लिए आगे पीछे आए हैं।
मैं चाहूंगा मेरे ओवर के लिए बहुत बड़ा काम करनी चाहिए मैडम की पूरी टीम को आती है और खास हाइट दोस्तों 117 रन चाहिए शरद पल्ला शिकारत की टीम को जीतने के लिए 116 रन बनाए हैं दोनों खिलाफ की टीम है आप देखना है क्या कुछ होता है तो भविष्य गर्म शुरू हुई बातें गर्म गर्म हमारे मुकेश जी चलो पल्ला टीम के कैप्टन है और कैसा महसूस कर रहे हैं मुकेश जी 117 रन बना रहे हैं निश्चित तौर जो मेरा उम्मीद था उससे बेहतर खास करके दोनों टीम खेले हैं उनके लिए उसके बहुत फर्क और मुझे लगता था कि शायद हम लोग 50-60 रन में हैं तो लेकिन उन्होंने स्कोर खड़ा किया और निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव मामला क्रिकेट के बाद निश्चित तौर पर हम लोग ये जीतेंगे करेंगे बहुत शुक्रिया
रहिएगा। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी गांव को चाहे और जितने भी जनपद के अंदर बैठे हैं, ऐसे में हमारे चरणों के अंदर शासन में बैठे अंदर प्लान रखे बैठे खड़े कौन रहेगा? अगर जिन्हें अंदर बैठे तो चुपचाप बैठे खड़े कौन रहेंगे? और आप इधर तो घूमने आप ही बैठ जाए शिकार को देख रहे हैं, जिसके लिए ये वीर यहाँ आई है। काफी खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पे और इस बार चुके व्यक्ति है, बहुत खूबसूरत चुकी है। वहां पे हम देखना चाहेंगे कि अंपायर अभी भी किसी गुरु में चले हुए चले गए जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है ऐसा नहीं लगता है कि कुछ प्राथमिक गेंदबाजी में जिस तरह के आप सपने में देखते हैं कि एक आगे गेंदबाजी हो सके, ठीक उसी तरह से बिल्कुल सके काफी बढ़िया किया है। जिनको ऐसा नहीं लगता कि सपने की दुनिया बिना टेंशन में चाहिए कि क्रिकेट से बाहर की ओर आई है। जी तो हमारे सपने के कलाकार जरूर है, लेकिन क्रिकेट की एक क्षमता नहीं किया जा सकती है। एक रन भी ना किसी तरह से गिरबान है, वॉलंटियर घूमते रहेंगे हनुमान है और किसी तरह से तो फिर यहाँ तो इनको पकड़ाई ग्राम सीमेंट जो भी है ग्राम मेंबर भी है वो भी घूमते हैं एक जगह। ये नीचे हो बैठ गए आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट मैच में देखते होंगे जो भी टेबल बहुत बच्चे लोग हैं वो इसको हम अपने घर भी कहते हैं बैठ गए टेलीविजन बॉम्बे के पास बहुत बड़ी भूख है देखने के लिए। आप और उसे कुछ फाइंड में खेल दिया है वहाँ पर अच्छी फील्डिंग कही जा सकती थी लेकिन नीचे और ये नहीं बन रहा कि इसकी मार्शल के हाथ से आवाज होते ही बिना ये ऑप्शन ले जहाँ का हवा एक आवाज की एक रन में लगता है ना चला चला है ना बॉडी अच्छा बता रहा पाँच लेकिन खिलाड़ी दोनों ही बल्लेबाजों ने आराम से अपनी चीजों को बदला। अच्छे बच्चा हुआ छह रन जो कि पहले बड़ी समाप्ति हुई।
अब देखना है कि बॉलर के रूप में कौन आते हैं, ये देखना दिलचस्प है। मंत्रणा का दौर है, ये कितनी संजीदगी से मंत्रणा कर रहे सारे बॉलर का बच्चे खिलाड़ी, यही तो आपका फंसा है कि कभी से खिलाड़ी आप लोग बड़े से बड़े से होते हैं नहीं ले रहे आप लोग तीसरे बच्चे हैं। जी हाँ बिल्कुल ना हो तीसरे बच्चे को तो समेत बॉस में बैठे हुए ले रहे ये हुआ कि हमारे भी बैठे हुए थे और उन्होंने कहा था जाते हम लोग क्यों आए हैं, तो हमारे अर्जुन समय को घोषणा हो रही है कि इस मैच को हाथ से भी शक्ति ले रहे और उसके बाद चढ़ाई से बॉलिंग होगी और हम लोग जीत जाएंगे। जी हाँ बहुत ही खूबसूरत आवाज इसे स्वागत कर रहे हैं आप तक सुना करते हैं इस मैच सामने लगा लो जी हाँ और इसी बीच काफी खूबसूरत प्रति यहाँ पर देखने को मिल रहा दो बार इस तरफ बोलने की तरफ क्या बोल के लिए जी हाँ सर्किल के फायदा को उठाते हुए जो नियम होते हैं प्यारी खर्ची के अंदर उन्होंने देखना पड़ता और उसे सर के ऊपर से निकाल लिया नौ बॉल के बाद चार रन के लिए। खर्ची के ऊपर से खेलना यहाँ पर जो है काफी मायने रखता है, जिस तरह के सर्कल गेंदबाज गए थे और जिस तरह की बॉल उन्होंने की थी जिनकी लाइन बिल्कुल सटीक थी और उसे क्लिक करके खेल लिया उसके बाद बिल्कुल गेंद को देख के पढ़ के चढ़ के ये आदमी के लिए जाने जाते हैं विचार
समुद्र की छाती पर नहीं नाव को सहेज कर किनारा दिखाना Yeah.
और सरदार जी को सरदार नहीं होते
मुंशी उठ लीजिए लेकिन वो कैसा आराम से आराम जरा देखा से बैठे वार्ड गेल का इशारा अब हमें पता होगा छत्ते वार्ड गेल वो सोच के आदमी वो पाव लगी का पता अपने वहाँ से पति जी आते थे जब ये के उनका स्वागत करना बंदा करता हूँ बंद करता हूँ और निरंतर करूँगा सत्ता से खिला इवासन को हर से तो खेल लिया था कि सारे आप कल्पना करें
निर्वाद भी आपके पीछे है, कहां भी नहीं अच्छे निर्वाद खेलते आदित्य ओझा जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी का परिचय दिया था खिलाड़ी नहीं बल्लेबाजी करने के लिए उनके सामने मुकेश भारते जो गए हैं मुकेश रानी का सामने के लिए परिवर्तन किया था गेंद के चश्मा देने की कोशिश लेकिन बेहतरीन बल्लेबाज मुकेश भारते गेंद को देखा पड़ता और जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में चौबीस रन था स्कोर में कितना हमारे
जैसा गेंद को उठा के थ्रो करें। दोनों बल्लेबाजों ने आहिस्ते से चेहरा कभी करते अपने सिरे को बदला। अच्छा अच्छा बढ़ता हुआ बासठ बासठ एक विकेट के नुकसान का इशारा के लिए चल के अब आए बल्लेबाज करने के लिए चरम खेल के हर चीज की और हाँ उसके अपील के लिए सफेद को नगा गेंद पकड़ के बाहर से टकराई थी संभावना तो भैया ये बल्ला करी क्या खेल के देखिए तिरंगा लेके राष्ट्रीय तिरंगा हमारे शान का प्रतीक हमारे शान का प्रतीक और के लिए तिरंगा तो नगर शान का इसीलिए ये तिरंगा है। जी हाँ कुछ बना करके आया है ये तो भैया लेके आया हूँ तो आया नहीं एक रन का हो गया था और कमेंट्री बॉक्स के पीछे जो लोग सहकर्मी कर रहे हैं उनके उनके पैरों से तार खींच रही है। दोनों बंदे वाले अंदर आ गए फिर दो बंदे वाले अंदर आ गए दो बंदे वाले अंदर जा गए आप हाँ रवि जी रवि जी जो Yeah.
प्रवेश कर सकते हैं। संजय खेलने मेहनत की है और प्रत्येक चौके पर और छक्के पर उनके तरफ से पार पाने के लिए 100 रुपए दिए जाएंगे। जीतने के लिए आमतौर की समाप्ति चार अक्षर है 77। यहाँ पर से जीतने के लिए 40 रनों की आवश्यकता। जिसका भी अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम दुनिया में है इससे गुलशिका हमारा, देश के आम मानव शाम का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शाम से लहराते हुए हमारे दो देश के नौजवान 40 रन आप लोग हम के जितने भी फील्डर थे और
धन्यवाद देना चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश जी को, जिन्होंने एक इतिहास रचा है भारत के, पूरे भारत के परिदृश्य में। जीतने के लिए कितना रन चाहिए? यहाँ पर है चार, चार रन चाहिए जीतने के लिए। साथ में है, अभी कट रहा है। आप लोग लाहौर यहाँ पर लाइन पार नहीं करें, नहीं करें, कितने रन बने अभी? 114 रन बन चुके हैं। महज औपचारिकता ही से फोटो क्या खींचेंगे साथ में? नए गेंदबाज जो आए हैं उनका नाम मैं जानना चाहूंगा। साथ में तो ये खींचो क्या खींचेंगे? 3 रन और चाहिए जीतने के लिए। वॉलंटियर आप चारों तरफ चेन बना करके खड़े हो जाइए। कोई भी आदमी फील्ड के अंदर ना आइए। आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया है, आप अगर सहयोग देंगे करते हैं बात। आ रहे हैं क्या? हाँ दिनेश लाल जी नहीं रहुआ, अब आप बोल सकते हैं। आप लोग कौन? ओवरटू नहीं रहुआ जी, बस चलिए तो आप लोग चलिए। 3 रन चाहिए जीतने के लिए, माफ करेगा 2 ही रन। निशान विकास इलेवन का स्कोर 115। आप लोग अपने स्थान पे
आप शांति बना रहे हैं, आप शांति बना कर रखे, आपका अपना ग्राउंड है, इसलिए शांति बना कर रखे, उस तरफ ना मचा है, आराम से खड़े हो जाइए, हम आपके शांति बना कर रखे। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों को जान के बहुत गर्व होगा, हमने 3 मैच खेला लेकिन कहीं भी इतनी बढ़िया ऑडियंस हमको नहीं मिली थी। आप लोगों ने पूरे मैच को इतना बढ़िया से चलने दिया, हम आपको इसके लिए सलूट करते हैं। आप धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और रवि जी ने, आशीष जी ने बहुत सहयोग किया, हमारे मुकेश जी उनके सहयोग से ये मैच संभव हो पाया। और मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ हमारे, क्या आपके टीम का नाम है, सन ऑफ मल्लाह क्रिकेट क्लब को धन्यवाद करता हूँ। भैया किसी के ऊपर राशि मत चलाइए, सब अपने भाई बंधु है, एकदम जिनको जहाँ खड़ा रहना खड़ा रहने दीजिए। आपने ये जो आनंद उठाया, वो ये था कि आप लोग जब कल बॉर्डर फिल्म रिलीज हो रही है तो हमारी बॉर्डर फिल्म को आप देखने जाए तो क्या आप लोग जाएंगे? तो भैया हमारी सबसे बड़ी जीत कल होने वाली है। आज जो हम क्रिकेट में हमारे भाई लोग जीते हैं, आप लोग चाहिए तो उनको दो चार बार और हरा लीजिए। हम क्रिकेट में हारने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिनेमा में हारने के लिए तैयार नहीं है। और हम सिनेमा में तब नहीं हारेंगे जब आप लोग हमारा साथ देंगे। आप सब हमारे साथ हैं, तो कल आप लोग हाथ जोड़ के विनती है, कल फिल्म रिलीज हो रही है। और एक बात और बताना चाहता हूं, भारत सरकार की केंद्रीय सेंसर बोर्ड ने यह अनुमति दिया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी बॉर्डर फिल्म देख सकते हैं। पारिवारिक फिल्म है, हमारी माताएं बहनें भी ये फिल्म देख सकती हैं। तो ईद के दिन आप पूरे परिवार के साथ ये फिल्म देखने जाइए, तब जाके हमारा ये मकसद सफल होगा यहाँ आने का। हमारे टीम के कोई जाकिर या प्रवेश या कोई यहाँ मौजूद है आसपास, जाकिर या प्रवेश या कोई भी आप हैं तो वीडियो बनाइए। प्रवेश लाल यादव और जाकिर से मैं चाहूंगा कि आप एक बार आ जाइए यहाँ मंच के पास में, प्रवेश लाल यादव, और तिरंगा लेके आइएगा। जो तिरंगा वहां पे है, सुशील भैया, सुशील भैया तिरंगा लेके आइए। चलो तिरंगा लेके। हाँ, और अभी मैं चाहूंगा जो विजयी टीम के हमारे कैप्टन हैं वो आगे आए और उनको सम्मानित किया जाएगा। युवाजी के लिए बेगूसराय की धरती है, बेगूसराय की धरती है, बॉर्डर फिल्म कल से रिलीज हो रही है, ईद का पावन अवसर है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा निरहुआ जी ने जो देशभक्ति की भावना आपके दिलों में पिरोने का एक प्रयास किया है, इसके लिए मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगा निरहुआ जी के लिए। और मैं कहना चाहूंगा इनके लिए, इनके तरफ से, कि मरना है तो मरो वतन के लिए। निरहुआ जी, मरना है तो मरो वतन के लिए, क्यों मरते हो हसीन दुल्हन के लिए? मरना है तो मरो वतन के लिए, क्यों मरते हो हसीन दुल्हन के लिए? मर गए कहीं हुस्न के गलियों में तो लोग चंदा करेंगे तेरे कफन के लिए। तिरंगा हमारे देश के आन बान का प्रतीक, एक बार प्यार से जयकारा लगाएंगे हम सभी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
दूसरी टीम है, सवाल नहीं हुआ तो लीजिए। सद्भाव तो आप ऐसे हैं, प्रोटोकॉल है ये नहीं, हमें समेटिए समेटिए, क्या करें अब होगा आती का ना ट्रॉफी देते हुए दासी रवि जी निरोवा जी इसको जिक्र करते हुए और विजेता टीम जो इस मैच को जीतने में सफल हुए निशान विकास संघ 11 के कप्तान श्री मुकेश जी को विजेता ट्रॉफी प्रदान करेंगे। पहले विजेता विजेता ट्रॉफी ग्रहण करते हैं, जोरदार ताली में चाहूंगा। निवेदन करूंगा निरोवा जी आप भी हाथ लगाए और दर्शकों आपकी हाथ खुलनी चाहिए। विजेता ट्रॉफी के ग्रहण करते हुए और मैं बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ मुकेश जी को, उनको जीत की बधाई देता हूँ और साथ में आप लोगों से चाहता हूँ कि एक बार मल्लाह टीम के जीत से आप एक जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय। मैं चाहूंगा मुकेश जी कैसे शांति बनाए रखे, हमारे विजेता टीम के कैप्टन हैं, जीत के बाद बहुत बधाई सर और कुछ संदेश में चाहूंगा कि सोचना उत्तर भावना मैच के बाद बहुत बहुत धन्यवाद खास करके निशाद थाना पल्ला क्रिकेट क्लब के सभी क्रिकेट प्रेमी सबको बहुत बहुत धन्यवाद और निश्चित तौर पर आज हमने जीत को हासिल किया है और साथ ही हमारे भाई निरोवा जी को मैंने हराया, लेकिन आप लोग से मेरा गुजारिश है कि कल इनका बॉर्डर पिक्चर में इनको हिट होना चाहिए और आप सब सब मिलकर सहयोग दें ताकि ये पिक्चर पूरा हिट हो, कल ये पिक्चर के माध्यम से कल हिट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बल्लेबाजी का खिताब ग्रहण करें मुकेश भारती जी, निशान विकास संघ के बल्लेबाज मुकेश भारती अपने पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए आ गए। मनीष कहाँ से, मनीष कौन सा टीम से है,